सामने जो दिख रहा है वो सब आग लगी है, देखो उधर। तो मैं इधर रुक के दिखाता हूँ आपको। ऑल राइट, सो हे गाइज, व्हाट्सअप है, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हो, कहीं रोड ट्रिप पे आने की पूरी प्लानिंग हो गई है, बस निकलने वाला हूँ मैं। और लोकेशन क्या होगी, किधर जा रहा हो, किधर कौन सी राइड है, मैं आपको ब्लॉग में धीरे धीरे बताते रहूँगा, तो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। और आज की राइड स्पेशली मेरे लिए ज़्यादा बड़ी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम 500 या 600 किलोमीटर का अराउंड कुछ तो है डिस्टेंस, सो मैं सोचा और एक राइड तो बनती है अभी। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहो और राइड एंजॉय करो। सो आवर जर्नी स्टार्ट नाउ, देखते हैं क्या क्या नया एक्सप्लोर करने मिलता है, क्या क्या नया एक्सपीरियंस करने मिलता है हमें ये जर्नी पे। होप्स तो सब सही रहे, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो बस। वैसे बाइक में भी रेंज दिखा रही है 82 किलोमीटर की, बट इधर से ही गाड़ी फुल कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बाकी मैं किधर ज़्यादा स्टॉप नहीं लेना पड़ेगा, तो इधर ही फ्यूलअप करा लूँगा। तो चलो। ओहो हो हो, बहुत गलत टाइमिंग पे निकला हूँ मैं, ट्रैफिक तो बहुत तगड़ा लगा है इधर ही। वैसे मेरे साथ पिलियन में है अक्षय, जो हमेशा मेरे साथ रहता ही है। ये बेचारा सडन आया है, सोलो राइड का प्लान था, और वैसे भी हम सोलो ही एक ही बाइक पे जा रहे हैं दोनों, और आ रहा 310 पे पिलियन को आ रहा है, मतलब उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि पिलियन के लिए ये बाइक इतनी कंफर्टेबल नहीं है। मैं अपनी बाइक की झूठी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, मगर जो है वो है, पिलियन में बहुत प्रॉब्लम आता है इस पर। सर्विस रोड लेना ही चाहिए, देखो ट्रैफिक देखो आगे, ऐसे से तो राइड पता नहीं कब पूरी होगी। ट्रैफिक देखो यार, ट्रैफिक वैसे टाइम हो रहा है 5:20 ऑलमोस्ट, जाने के लिए तो रात होने वाली है हमें, पर दोपहर में नहीं निकलना चाहता था क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, मतलब मुंबई में कुछ ज़्यादा ही धूप हो रही है अभी लिटरली, मतलब बाइक चलाते वक्त आँख हाथ सब ऐसे गर्म हवा लग लग के जलने लग जाता है पूरा, इसलिए मैं सोचा थोड़ा शाम होने देते फिर निकलते, तो शाम में ट्रैफिक मिल गया। कोई नहीं, व्यू देखो यार कितना मस्त हो गया है, शाम में निकलने का फ़ायदा। अगर मेरा कैलकुलेशन सही रहा तो बराबर सनसेट के टाइम पे मेरे को लोनावाला में होना चाहिए, आई होप मेरे को ट्रैफिक ना मिले ज़्यादा, बराबर सनसेट के टाइम में लोनावाला में रहूँ। सो चलो करने का ट्राई तो करते हैं जल्दी जल्दी कवर डिस्टेंस, बट अगर ट्रैफिक मिली तो मुश्किल है फिर, तो आई होप ना मिले ट्रैफिक। करो फुल कर दो, हाँ हाँ सब रिकॉर्ड होता है इसमें। हो गया बस, हो गया, ज़्यादा मत भरो, ऐसा फुल टैंक देख के कुछ ज़्यादा ही खुशी मिलती है। चलो वी कंटिन्यू स्ट्रेच, पहला वाला टोल नाका तो क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, अंधेरे में इतना तो है कि रास्ते का पता नहीं चल रहा, वो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। आई होप बस आगे मेरे को ट्रैफिक ना मिले, बी
में बाइक चलाने में मज़ा आता है। तो जो दिन में कैसा धूप थी, ज़्यादा गर्म हो रहा था, अभी मस्त एकदम चिल क्लाइमेट है। गाइस का सही व्यू लग रहा है, एकदम डार्क में गाड़ी चल रही है, बस हेडलाइट, और मेरे को पता नहीं आप लोगों को ऊपर चांद दिख रहा है कि नहीं, मगर चांद इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब इसका क्या ही है, बराबर रोड के सामने चांद है हमारे। मस्त लगा देख के। अभी हम लोग लोनावला पहुंचने वाले, एक 10 मिनट में हम लोग शायद लोनावला टच कर देंगे, बस घाट क्रॉस करना बाकी है, तो फटाफट कवर करता हूँ और सीधा लोनावला में मिलता हूँ आप लोगों को। हाँ, कितना सही लग रहा है, मैं क्या बताऊँ मैं आपको। जो पहले मतलब लास्ट टाइम में मैंने जब नाइट ब्लॉग किया था, तो मैंने सेम चीज़ कही थी कि भाई मेरे को आज के बाद नाइट ब्लॉग ही करना चालू करना चाहिए। एकदम पीस वाली राइड लगती है ना, हमें कुछ ज़्यादा एकदम रेव करना होता है ना कुछ नहीं, बस शांति से अपनी स्पीड मेंटेन करो और रास्ते का मज़ा लो। और अभी थोड़ा ट्रैफिक भी नहीं है तो और मज़ा आ रही है। आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ कि आप लोगों को डे टाइम में राइड करना ज़्यादा पसंद है या नाइट टाइम में, तो मेरे को पर्सनली अभी नाइट राइड ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। और इन फ्यूचर अगर आप लोगों को ऐसे नाइट व्लॉग्स देखने हैं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाते रहूँगा और आगे और व्लॉग बनाते रहूँगा नाइट के टाइम। इसी प्रकार हमें राइड के वक्त एक हैवी राइडर मिल चुके हैं, ये जो आप मेरे आगे देख रहे हो। ये बंदा काफ़ी टाइम से मेरे को चेस कर रहा है, दो बार तो उधर वो ट्रैफिक में ठोकते ठोकते बचा है, स्टिल वो रेव कर रहा है बाइक। हाँ, अच्छी बात है, शायद वो अलग इसमें रहेगा। बाइक मतलब बस ये करने के लिए नहीं है यार, तो मेरा बाइक उससे डबल सीसी है, मैं उसको इजीली चुप करा सकता हूँ, बट तो उससे वो ज़्यादा और चार्ज हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता क्या इसी टाइम में कुछ बोलते ना कुछ इंसिडेंट हो जाए, उसे क्या भाई जाने दो उसे। मत करो ऐसे राइडिंग। चलो वो देखो वो देखो वो देखो है। ओके, सामने देखो क्या नज़ारा है, लगता है किसी ने यहाँ पे पहाड़ पे आग लगा दी है। और क्या सही दिख रहा है देखो ना, रुको मैं आप लोगों को उधर जाकर रुक के दिखाता हूँ। वो जो सामने जो दिख रहा है वो सब आग लगी है देखो उधर, तो मैं इधर रुक के दिखाता हूँ आपको। देखा जो रेड जो दिख रहा है ना, वो सब आग लगी है उधर, क्या लगाई है पता नहीं, मगर बहुत सही दिख रहा है क्योंकि पूरा घाट में अंधेरा है और बस वही एक लाइट कर रहा है। सही है। वैसे अभी हम लोग लोनावला के घाट में है, बहुत जल्दी हम लोनावला पहुंच जाएंगे। आई गेस आज हम लोग बस आधा घंटा नहीं 45 मिनट्स में लोनावला टच किया, वो भी इतना हेवी ट्रैफिक में। ऑलमोस्ट हर जगह मुझे आज ट्रैफिक मिली है, हर जगह। चलो सही है, ओके। अब बीच में ही बस बंद हो गई, रात के टाइम पे अगर ऐसा कुछ सीन हो रहा है ना, लिटरली वाट लग जाती है यार। वो क्या सही दिख रहा है देखो ना, मज़ा रात में राइड करने पे घाट में तो मज़ा ही है, प्रॉपर कॉर्नरिंग करने मिलती है, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, बस हम हमारी बाइक और इतना खूबसूरत सा रोड।
इज माय फेवरेट टर्न। लास्ट ब्लॉग में भी शायद बोला था ये टर्न मेरा फेवरेट है क्योंकि प्रॉपर जगह पे कॉर्नरिंग करने मिलती है। ऐसे टाइम में आरआर का लाइट को मानना पड़ेगा, बहुत सही राइड है, पूरा रोड विजिबल हो रहा है मेरे को इससे। आरआर में मेरे को बस दो ही चीज़ें ज़्यादा पसंद है, एक तो लाइट और दूसरा ब्रेकिंग। ब्रेकिंग भी काफ़ी क्लास है और लाइट भी। पहले हम लोगों ने प्लान किया था लोनावाला में रुकने के लिए, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि लोनावाला नहीं रुकते क्योंकि ऑलरेडी मेरे को लेट हो गया है। तो देखेंगे आप आगे किधर और रुकना है, मगर लोनावाला तो नहीं रुकेंगे अभी। सैटरडे नाइट नहीं निकलने की रीज़न देखो, ओल्ड रोड पे भी इतना ट्रैफिक है और नीचे का भी ट्रैफिक देखो, एक्सप्रेस हाईवे पे भी ट्रैफिक है। मतलब ना ही हम फोर व्हीलर से जल्दी बढ़ सकते हैं ना ही हम टू व्हीलर से, मगर इसका जो एक व्यू दिखेगा ना, मैं आप लोगों को आगे रुक के व्यू दिखाऊंगा इसका, ये लाइटिंग में इतना सही व्यू आएगा ना। प्रॉपर व्यू आगे झाड़ के वैसे पूरा नहीं दिख रहा था, इसलिए इधर फिर से रुका दिखाने के लिए। ओके मेरा अपर लेट वो कितना आगे गिर रहा है, मतलब कितना ऊपर गिर रहा है। चलो वैसे हम लोग खंडाला में अभी, इसी प्रकार हम लोनावाला में आ चुके हैं। ये रहा होटल कामत। अगर आपने अभी तक इसका ब्लॉग नहीं देखा हो तो इधर आई बटन में मेरा लास्ट राइड का वीडियो आ रहा होगा जो पूरा सुपर बाइक्स वाला था, तो वो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और अभी हम लोनावाला से आगे बढ़ते हुए क्या सही, ये ब्रिज का पोर्शन इतना ही मस्त लगता है, ऊपर से एक्सप्रेस हाईवे नीचे से ये सॉर्टेड लाइफ। लोनावाला में भी ट्रैफिक, वैसे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे, सैटरडे नाइट है ऑब्वियसली, सब वीकेंड्स के लिए इधर ही आते हैं, तो इधर तो ट्रैफिक मिलना ही था, पर इतना हेवी ट्रैफिक मिलना था वो नहीं सोचा था। ठीक है, बाय द वे नाउ वी आर इन लोनावाला, तो वो तो आप लोगों को देख के ही समझ गया रहेगा कि इतना हेवी ट्रैफिक वाली जगह बस लोनावाला ही हो सकती है। पूरा हाथ दर्द देने लग गया इधर तो, मैंने ग्लव्स भी नहीं डाले, और ग्लव्स मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि हम लोग निकलते वक्त बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत गर्म हो रहा था, इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं डाला था। और अभी हाथ पेन होने लग गया है, तो कंटिन्यूसली यूज़ ब्रेक, कंटिन्यूसली बस ब्रेक ही यूज़ हो रहा है। ओके वो रहा हमारा हेवी राइडर। मुझे लगा ये तो पहुंच गया रहेगा अभी तक। सो गाइस हियर वी गॉट आवर सेकंड टोल प्लाजा, अभी आई गेस और एक या दो आने बाकी है जो बहुत दूर है। तो लोनावाला से हम लोग एग्जिट कर चुके हैं और सोच रहे हैं अभी एक छोटा सा टी ब्रेक ले ही ले, क्योंकि तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई हमारी, और सबसे मेन प्रॉब्लम मेरा वाइज़र टिंटेड है, मतलब तो मेरा मर्क्यूरी वाला वाइज़र है, तो मेरे को नाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसका, क्योंकि मैं वाइज़र लगा ही नहीं पा रहा। तो देखते हैं किधर ब्रेक लेना चाहिए। ओके एक टी ब्रेक इधर तो बनता है। चलो इधर एक टी ब्रेक लेते, थोड़ा रिफ्रेश होके मिलते हैं आप लोगों से। ऑलराइट, तो टी ब्रेक तो हमारा हो गया,
अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है और हमने दोनों से भी काफ़ी आगे आ गए हम लोग। आगे अभी हम कामशेद के पास है, अभी थोड़ा मज़ा आ रही है क्योंकि पूरा स्ट्रेट रोड है, इतना ट्रैफिक कुछ रोड पे है नहीं। और आई रियली सॉरी कि अगर आप लोगों को मेरा आवाज़ इतना ठीक से नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरा वाइज़र ओपन है, उनको क्लियर वाइज़र कैरी करना चाहिए था, अगर अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं वाइज़र ओपन रख के राइड कर रहा हूँ। अभी रोड भी थोड़ा ओपन मिल रहा है क्योंकि जो ट्रैफिक वाला टाइम था वो तो हमने कवर कर लिया। अभी बज रहे 10:16, हम लोग निकले थे कब, 5:20 समथिंग को, नहीं 5:20 को भी नहीं, पहले ही निकले थे शायद 5:20 को, तो हम पनवेल या जैसे कुछ तो एरिया में थे। मतलब 5 घंटे से मैं बाइक चला रहा हूँ, तो इस पे से आप लोग समझ सकते हो कि मेरी बॉडी की क्या हालत हो गई रहेगी। तो कोई नहीं, सफ़र का ही तो मज़ा है। जैसे अभी आगे घाट आने वाला है, वो घाट का स्टोरी आपको घाट में ही बताऊंगा मैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। सो ये है वो घाट, अभी घाट तो स्टार्ट कर दिया हमने, और ये घाट की स्टोरी ऐसी है कि ये घाट पे ऐसा कभी नहीं होता कि इधर कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये इसके जो टर्निंग है और नीचे सीधा डैम है, अभी वो अंधेरे में नहीं दिख रहा रहेगा। ये घाट को अभी थोड़ा अच्छा किया है, नहीं तो पहले बहुत बदनाम घाट था ये, क्योंकि इधर रोज़ एक्सीडेंट होते थे रोज़, और फिर थोड़ा हॉन्टेड सीन भी होने लगा, चोरों का भी सीन होने लगा, तो इसलिए ये घाट में थोड़ा रिस्की लगता था। क्योंकि इसमें अभी मेरे को नहीं पता गोप्रो क्या क्या कवर कर रहा है अंधेरे में, मगर ये घाट के इधर से नीचे सीधा डैम है, तो कुछ भी इनकेस अगर इधर हुआ तो नीचे ही गाड़ी जाती थी सीधा। मैंने खुद ने कितने बार तो इधर एक्सीडेंट देखे, तो ये घाट में मैं बहुत केयरफुली गाड़ी चलाता हूँ। और इधर तब अभी तो ये मतलब इसके जाने के लिए अलग लेन हो गया, आने के लिए अलग है, आने के लिए उधर से दूसरा लेन बनाया जो बहुत सही है, बहुत सही, तो लगता भी नहीं कि वो घाट है करके, इतना मस्त वाला रोड बनाया वो, मगर जाने के लिए यही घाट क्रॉस करना पड़ता है। इसके लिए अभी तक कम एक्सीडेंट होते, वरना पहले ओवरटेक एंड ऑल ये सब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, और ट्रैफिक भी ये घाट पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक सिंगल रोड था तो ट्रैफिक मिलना तो नॉर्मल चीज़ है ये जगह पर। और देखो ना बस कितना सुमसान सा घाट है, कुछ नहीं है आगे पीछे, पढ़ाई। अभी धीरे धीरे मैं लॉन्ग राइड मारना स्टार्ट करने वाला हूँ, मे बी मेरा नेक्स्ट व्लॉग, मतलब मैं जब भी नेक्स्ट टाइम लॉन्ग राइड मारूँगा तो वो आई गेस गोवा ही होगा, क्योंकि अगर मैं 500 किलोमीटर इधर मार सकता हूँ तो गोवा समथिंग 650 किलोमीटर है आई गेस, मेरे को इतना परफेक्ट नहीं पता, बट 600 के तो ऊपर ही है गोवा, तो वो राइड भी तो पक्की मारेंगे ही मारेंगे। कब से चाय के लिए ढूंढ रहे हैं, मगर इधर भी लॉकडाउन के जैसा टाइम दिया हुआ है कि 10 बजे के बाद कुछ चालू नहीं रख सकते। अभी बस हम लोग हमारा लक ट्राई कर सकते हैं कि हमें बस चाय मिल जाए, ये पूरा सब जिधर भी जा रहे हैं हम सब बंद है, किधर एक सादी चाय तक नहीं मिल रही है यार, और मस्ट नीडेड है चाय हम लोग को, किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं। देखते आगे किधर मिल रही है क्या, नहीं तो वैसे भी हमारी डेस्टिनेशन तो आ गई है इधर, नहीं मिली तो सीधा उधर पहुंच के फिर चाय पी लेंगे, अगर मिल गई तो राइड पे 4 चांद लग जाएंगे मेरे लिए। तो सोचो लो चाय तो नसीब में नहीं है आज हमारे, इधर अच्छा खासा लॉकडाउन लगा हुआ है, मतलब लॉकडाउन नहीं इधर टाइमिंग दिया है मगर स्ट्रिक्टली दिया गया है,
इधर किधर भी चाय तो नहीं मिलने वाला। चलो अभी आ तो गए हम हमारे डेस्टिनेशन के पास। सो GoPro की बैटरी भी अभी डेड होने वाली है, सो आई गेस इधर ही ये वाला पार्ट इधर ही एंड करना अच्छा रहेगा। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।